कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा अंतर्गत दूरस्थ ग्राम धनोरा में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों को 212 आवेदन प्राप्त हुए। कुछ आवेदन का मौके पर ही निराकरण किया गया। आपको बता दें, वहीं शेष अन्य आवेदनों पर प्रक्रिया के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई, जिसका निराकरण जल्द ही किया जाएगा। शिविर में क्षेत्रीय विधायक, कांकेर लोकसभा सांसद, कलेक्टर भी शामिल हुए। विधायक नीलकंठ टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार जनता की समस्याओं के निदान के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक जिले में जन समस्या निवारण शिविर का अभियान चालू किया है, ताकि आम जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संपर्क स्थापित हो सके और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको जमीनी स्तर पर जिला स्तर के समस्त अधिकारियों के साथ, जिसमें कलेक्टर, एसपी, डीएफओ और क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहते हैं, उनका त्वरित निराकरण करने का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज एक ऐसे क्षेत्र में जो पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे दुरस्त अंचल माना जाता है, जो एक लंबे समय तक माओवादी के कब्जे में रहा है, उस क्षेत्र में ये जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया है। आयोजन किया जा रहा है, इसमें पूर्व मर्दा पालो बड़गई में भी जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ था और आज धनोरा के अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें तकरीबन 212 एप्लीकेशन आए गए, जिसमें मौके पर ही बहुत सारी सुविधाएं ऐसी थी जिनका मौके पर ही।